इस्लामिक और मुस्लिम बहुल देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की निंदा की है। ओआईसी ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा, भारतीय शहर अयोध्या में जिस जगह पर पहले बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी, वहीं राम मंदिर का निर्माण और इसकी प्राण प्रतिष्ठा गंभीर चिंता का विषय है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में बने नए राम मंदिर का उद्घाटन किया था। इस कार्यक्रम में राजनीति और बॉलीवुड के जाने माने चेहरों से लेकर बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम के ठीक एक दिन बाद 23 जनवरी को ओआईसी ने मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाए जाने की निंदा की है। अपने बयान में ओआईसी ने कहा, ओआईसी देशों के विदेश मंत्रियों के काउंसिल की पिछली बैठकों में जाहिर रुख के अनुसार हम इन कदमों की निंदा करते हैं जिनका लक्ष्य बाबरी मस्जिद जैसे अहम इस्लामिक स्थलों को मिटाना है। बाबरी मस्जिद उसी स्थान पर 5 सदी तक खड़ी थी। अब तक भारत की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मुस्लिम आबादी के लिहाज से भारत इंडोनेशिया और पाकिस्तान के साथ शीर्ष 3 देशों में है। प्यू रिसर्च के अनुसार मुसलमानों की आबादी 2060 में सबसे ज्यादा भारत में होगी और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान होगा। ओआईसी इस्लामिक या मुस्लिम बहुल देशों का संगठन है। इसके कुल 57 देश सदस्य हैं। ओआईसी में सऊदी अरब का दबदबा है, लेकिन सऊदी अरब दुनिया के उन टॉप 10 देशों में भी शामिल नहीं है जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। हालांकि इस्लाम के लिहाज से मक्का और मदीना के कारण सऊदी अरब बेहद अहम है। भारत मुस्लिम आबादी के लिहाज से शीर्ष 3 देशों में होने के बावजूद ओआईसी का सदस्य नहीं है। 2006 में 24 जनवरी को सऊदी अरब के किंग अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अजीज भारत के दौरे पर आए थे। इस दौरे में उन्होंने कहा था कि भारत को ओआईसी का पर्यवेक्षक का दर्जा मिलना चाहिए। सऊदी के किंग ने कहा था कि यह अच्छा होगा कि भारत के लिए प्रस्ताव पाकिस्तान पेश करे। हालांकि पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि जो भी देश आईओसी में पर्यवेक्षक का दर्जा पाना चाहता है उसे ओआईसी के किसी भी सदस्य देश के साथ किसी भी तरह के विवाद में संलिप्त नहीं होना चाहिए। यरूशलम की अल अक्सा मस्जिद पर मोरक्को की राजधानी रबात में 1969 में आयोजित इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस के बाद से ही ओआईसी और भारत के रिश्तों में उलझन रही है। सऊदी अरब के किंग फैसल ने इस कॉन्फ्रेंस में भारत को आमंत्रित किया था। उनका कहना था कि यहां मुस्लिम देशों का मामला नहीं है बल्कि सभी मुसलमानों का मामला है। तब भारत के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। तब भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने समिट को संबोधित भी किया था, लेकिन पाकिस्तान को ये ठीक नहीं लगा था और उसने समिट के बाकी सत्रों से भारत को बाहर करवा दिया था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल याहिया खान ने भारत का बहिष्कार किया था। उसके बाद से ओआईसी और भारत के रिश्तों में बहुत मधुरता नहीं रही है। कश्मीर मुद्दे पर ओआईसी पाकिस्तान की लाइन के करीब बयान देता है और ये भारत के लिए कभी स्वीकार्य नहीं रहा है। ओआईसी कहता है कि संयुक्त राष्ट्र के 1948 और 49 के प्रस्ताव के हिसाब से कश्मीरियों को आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए। ओआईसी चार्टर के अनुसार इस संगठन के लक्ष्यों को बढ़ावा देने के इच्छुक मुस्लिम देश ही सदस्यता के योग्य हैं। लेकिन गैर मुस्लिम देशों को ओआईसी में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है और कुछ को पूरी सदस्यता भी। 2005 में रूस ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल हुआ था। 1998 में थाईलैंड को भी पर्यवेक्षक का दर्जा मिला था, जबकि वो बौद्ध बहुल देश है। ये पहली बार नहीं है जब ओआईसी ने भारत से जुड़े किसी मामले को लेकर बयान जारी किया है। ये संगठन पहले भी अलग अलग मुद्दों पर ऐसा करता रहा है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की भी ओआईसी ने निंदा की थी और इसे भारत सरकार का एक तरफा फैसला बताया था। ओआईसी ने इसे लेकर जारी बयान में कहा था, ये इस विवादित क्षेत्र की जनसांख्यिकीय संरचना को बदलने के उद्देश्य से किया गया है। ओआईसी ने कश्मीरी नेता यासिन मलिक को दी गई उम्र कैद की सजा को लेकर भी चिंता जताई थी। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा मामले में भी ओआईसी ने कड़ी आपत्ति जताई थी और कहा था कि भारत में इस्लाम के प्रति बढ़ रही नफरत और इस्लाम को बदनाम करने की मुसलमानों के खिलाफ सुनियोजित कोशिशों का ये हिस्सा है। हालांकि ओआईसी की तरफ से जारी बयानों को भारत ने हमेशा खारिज ही किया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने पर आई ओआईसी की प्रतिक्रिया पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे गलत इरादे से दिया गया बयान कहा था।
मंत्रालय ने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि ओआईसी ऐसी टिप्पणी मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले और सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले के इशारे पर करता है। ऐसे बयान ओआईसी की विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं।